नमस्कार। सो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि NEXT नेक्स्ट 2024 मई में सबसे पहले कराया जाएगा, या जो मुझे डाउट है 2024 जून दिसंबर में ही होगा 2020 बैच के लिए, क्योंकि 2024 जून में करवाया जा सकता है उन लोगों के लिए जो उस समय तक फ़ौरन से वापस आएंगे। क्योंकि देखिए, जो 2019 इंडिया के बच्चे हैं वो तो तब तक इंटर्नशिप स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन 2024 जून का जो सेशन है वो ज़्यादा होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो उस समय वापस आएंगे। तो हमें देखिए अब इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अभी ये जो रूल आ गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब से जो बच्चे जाएंगे वो, जो MBBS अब्रॉड का 18 नवंबर 2021 का रूल आया है वो है फ्यूचर के लिए, लेकिन नेक्स्ट करंट बैचेस में भी लागू होगा। दैट मीन्स जो 2019 में बाहर गया था या 20 में बाहर गया था और उनको वापस आके इंडिया में वो जो इंटर्नशिप करनी है, तो उससे पहले उनको ये पेपर भी देना पड़ेगा। बेसिकली FMG वो देते थे, तो FMG के बदले नेक्स्ट वन आ जाएगा। तो जो पूरी संभावना है वो यही है कि 2023 का दिसंबर शायद लास्ट FMG होगा और 2024 में लोगों को वो FMG का बदले नेक्स्ट वन देना पड़ेगा। अब देखिए, फ़र्क ये है कि इसलिए अब्रॉड वालों के लिए, बच्चों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में एक फंडामेंटल फ़र्क है। जो FMG था वो सिंगल पेपर था, हम जानते ही हैं 300 नंबर का, और उसके मुकाबले जो नेक्स्ट वन है इसमें बहुत सारे पेपर होने हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे की उतनी तैयारी करना कि जितना हम कर सकें, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़, तब आपको ध्यान होगा कि टोटल 300 क्वेश्चन आते थे और 150 नंबर आपके आगे तो आप पास हो गए, लेकिन अब वो एक पेपर होता था 2.5 घंटे का, 6 बार पेपर देना होगा। तो एक तो बच्चों को उसके हिसाब से रेडी रखना, प्रिपेयर करना। दूसरा यही है कि FMG चूँकि कई सालों से हो रहा था, तो काफ़ी कोचिंग सेंटर्स थे, मतलब आपको ना क्रैक करना आ जाता है, आपको पता है कि पेपर कैसा आने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि जब वो सिंगल पेपर था 2.5 घंटे का, तो भी एवरेज जो पासिंग रेट था फर्स्ट अटैम्प्ट में वो 30-35% था, किसी कंट्री के किसी कॉलेज में 50 भी होता था, किसी में 15 भी होता था। तो एक तो ये मेरी अपील है, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, जो 20, 21, 22 में जब भी गए थे और जब वो वापस आएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी 2024 में आने वाला है उसको अब नेक्स्ट नहीं, FMG नहीं, नेक्स्ट के हिसाब से तैयारी करनी है। इवन जो पुराने बच्चे थे उनको भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो दोनों पेपर इकट्ठे लेंगे। तो जब नेक्स्ट वन आ ही जाएगा तो आप मोटा मोटी मान के चलिए FMG इस साल जो दिसंबर में होगा वो लास्ट होगा। तो ये अब्रॉड वालों के लिए वो है जो पहले जा चुके, जो मतलब 19-20 के बैच की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका 24 में वापस आने का टाइम आ जाएगा 18 का, जब आपको FMG के बदले नेक्स्ट स्टेप वन देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरा ये है कि इन्होंने जो ये नया रूल लाया है, जो कि एक ओवरऑल गाइडलाइन भी है, कि अब से जो भी आप MBBS स्टार्ट करेंगे, आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी टोटल MBBS की ड्यूरेशन है वो 10 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। और आप जानते ही हैं कि जब से 18 नवंबर 2021 के जो रूल आ गए हैं, जिसमें हमें वहाँ भी इंटर्नशिप करनी है, जिसकी वजह से हमारा ना टेन्योर बढ़ गया है। और टेन्योर ऐसे बढ़ गया है कि अब आप लेट्स से उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अब वहाँ 5 साल पढ़ के आते थे हम, या FMG क्लियर करते थे, इंटर्नशिप करते थे, काम हो गया, अब वहाँ पर भी आप 1 साल बढ़ चुका है, तो 6 साल तो कम से कम आपके वहीं लग गए, जो कम से कम है, किसी किसी कंट्री में 7 भी लगेंगे, बट 6 से कम तो कोई है ही नहीं। आई थिंक नेपाल माइट बी दी ओनली कंट्री जो 5.5 साल में फ्री कर देगी, राइट। तो दूसरा ये रहेगा कि वो 1 साल हमें कम मिलेगा। देखिए, फिर भी पॉजिटिवली सोचो तो 10 साल बहुत हैं। जो मैंने इंडिया का वीडियो बनाया कि भाई नॉर्मल है अगर आप पहले अटैम्प्ट में सब कुछ क्लियर करें, लेकिन पहले अटैम्प्ट में इंडिया के बच्चे भी देखिए मुसीबत में हैं या घबरा रहे हैं, और मैं खुल के नहीं बोल पाता वीडियोज़ में, लेकिन हम जानते ही हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो पहले पर यह था कि पास हो जाते थे बच्चे, अब 6 अलग अलग पेपर होने हैं, 50% मार्क्स सब में लेकर आने हैं नेक्स्ट स्टेप वन में, और तभी आप अगले में जा सकते हो, मतलब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी। तो उसमें अगर आपका एक भी पेपर अटकता है या 3 अटकते हैं, ठीक है, आप अगली बार में खाली वही 3 देंगे, वो 6-6 महीने का गैप है, लेकिन चक्कर ये है कि भाई अगर आपको 1.5 साल लग गया पेपर पास करने में और आप पहले ही वहाँ पर समय लगा चुके हैं, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ जो अब जाने वाले हैं, तो आपके पास वो टेन्योर बढ़ता जाएगा। और फिर इंटर्नशिप के बाद भी नेक्स्ट स्टेप 2 भी पास करना, और उसमें खास रूल है ना कि 7 पेपरों में से अगर आप 3 से ज़्यादा में रह गए, जैसे आपने चार पास किए फिर तो ठीक है, बट आप 3 में पास हुए 4 में फेल हुए, तो दोबारा पूरे 7 देने पड़ेंगे, राइट। और वो जो है भी वो वाइवा बेस्ड
क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड पेपर होने वाला है जो काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है, और आप जानते ही हैं कि वो इंडियन प्रोफेसर्स लेंगे, तो इस चीज़ों का थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि जनरली जो इंडियन फैकल्टी है वो वैसे बहुत खुश नहीं होती बाहर वाले बच्चों को देख के, सो दैट माइट बी एन इम्पैक्ट कि हमें और बेटर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के फेल करेंगे, बट वी हैव टू बी बेटर देन अदर्स, राइट। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो 2018 के नीट क्वालिफाई रूल आने के बाद बच्चे गए हैं, जो इनपुट अच्छा है, जो सिंसियर बच्चे हैं, जो कम से कम क्वालिफाई करके गए थे, जनरली उनकी FMG परफॉर्मेंस अच्छी रही है और अब उनकी नेक्स्ट स्टेप 1 परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। लेकिन चूंकि भाई पहली बार पेपर आ रहा है, जब असली में पेपर आएगा तो पता चलेगा कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, किस तरह की क्वेश्चंस का पैटर्न है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इट माइट टेक टाइम। और इंडिया का सिलेबस तो देखिए हर जगह मोटा मोटी सेम होता है, अब बाहर का सिलेबस हमारे उससे कितना एट्यून था तो वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो एक बड़ा हवा चल रहा है कि 10 साल इज़ टू शॉर्ट, आई डोंट थिंक, वो जो लिखा है ना पूरा MBBS पार करने के लिए, क्योंकि अगर आप बाहर 6 साल भी लगा के आ गए, 1 साल इंटर्नशिप के 7 साल, तो बेसिकली 3 साल मतलब आपके पास 6 अटैम्प्ट हैं, मतलब नेक्स्ट 1 और 2 को मैं जोड़ लूँ, राइट। और मैं मान के चलूँ 2 जब आप इंटर्नशिप भी कर चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे, तो वो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट में, तो आपके पास 2 से 2.5 साल का एक्स्ट्रा टाइम है स्टेप 1 क्लियर करने का, मतलब आप 3 बार फेल हो सकते हो। और मैंने कोई मुझसे पूछ रहा था और मैंने यही कहा कि सर अगर आपको ये भी डाउट है अपने बच्चे पे कि भाई वो 10 साल में भी MBBS नहीं कर पाएगा, और 10 साल भी आपको कम लग रहे हैं, तो फिर MBBS करके करेगा ही क्या? अगर 18 साल से शुरू हो गया, वो 28-29 में जाके MBBS ही बनेगा, तो फिर तो वैसे उसके लिए कुछ और करियर सोच ले तो अच्छा है। सो आई डोंट थिंक 10 साल छोटा है, मतलब चूँकि हर 6-6 महीने में ले रहे हैं। देखिए अगर ये नेक्स्ट हर साल लेते तो शायद हमें ज़्यादा दिक्कत होती कि भाई इस बार 2 पेपर भी रह गए तो साल का वेट करना पड़ेगा, पर चूँकि 6-6 महीने का समय दे रहे हैं, सो 10 साल इज़ ए वेरी बिग टाइम। और कई वही जो इंडस्ट्री में कंसल्टेंट्स होते हैं वो सोचते हैं केस डाल दें, मैं उनको समझाता हूँ, देखिए अगर आप जाके ये बोलोगे कि 10 साल कम है तो वो हंसेंगे, वो कहेंगे कि मतलब 7 साल एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, मान ले वैसे तो इंडिया में 5.5 साल है, बाहर वाले के लिए हम 6.5 मान लें, हम 7 मान लें, 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब 50% टाइम एक्स्ट्रा में भी अगर हमसे पेपर पास नहीं हो रहा और हमें डॉक्टर बनने में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या है तो आप बच्चे को भेज रहे हो, क्या ही आप किसी कॉलेज में भेज रहे हो? तो या तो बच्चे में बहुत दिक्कत है, कॉलेज में बहुत दिक्कत है, बच्चे की दिक्कत मतलब बच्चे की सिंसेरिटी में, हार्डवर्क में, और दोनों ही कॉम्बिनेशन में जो सरकार का मिशन है कि फिर ऐसे बच्चे को MBBS डॉक्टर बना के फ़ायदा ही क्या, जो इतना सिंसेर है, हार्डवर्किंग भी नहीं है कि 10 साल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, और वो बेचारा 10 साल में अपनी खराबी करेगा ना, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा इसका ना रिवर्स लॉजिक बोलते हैं कि अगर हमें किसी बच्चे और कॉलेज की कॉम्बिनेशन में ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ का पढ़ा हुआ ये वाला बच्चा 10 साल में पार कर लेगा, तो फिर क्या ही करेगा वो, राइट। तो मुझसे 2-3 लोग फेस टू फेस मीटिंग करने आए, तो उन्होंने बड़ा ऐसे पूछा सर हम बाहर भेज देते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग बात बोली उन्होंने, मैं बड़ा मन में थोड़ा हंसा भी और थोड़ा मैं विचलित भी हुआ कि मतलब वो इस चक्कर में थे कि सर अगर इंडिया में पेपर पास नहीं पाया तो बाहर तो प्रैक्टिस कर पाएगा। मैंने कहा अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका विजन ही ये है कि बच्चा आपको उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान या नेपाल में जाके सेटल हो या चाइना में, तो भाई कैसे होगा? मतलब यही आपकी सोच है कि ये आपका बैकअप प्लान है, तो मैं कहा जी MBBS छोड़ दो और अपना और भी दुनिया में हज़ारों कोर्स है। अगर आप ये भी डाउट है कि हमारा बच्चा 10 साल लगा के भी नेक्स्ट 1 और 2 मिल के पार नहीं कर पाएगा, सो देन देयर इज सीरियस डाउट, और फिर हमें ऐसे बच्चे को अपने बच्चे को MBBS करवानी भी नहीं चाहिए, ये मेरा एक सबके साथ रहता है। सो 10 साल बहुत टाइम है, देखिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में बहुत लेट हो रहा है तो वैसे भी हमें उस कंट्री में नहीं जाना चाहिए ना, मतलब ऐसे एज ए गुड पेरेंट आपको ये सोचना चाहिए कि बाहर जो आप बच्चे को भेज रहे हो उसका सारा काम, मतलब पढ़ाई प्लस इंटर्नशिप प्लस जो वहाँ का पेपर अगर देना पड़ जाए, लाइसेंस एग्जाम या डायरेक्ट लाइसेंस मिल रहा है, सब कुछ कर कुरा के मैक्सिमम 7 ईयर, मतलब 5.5 साल तो देखिए मिनिमम लगेगा, मैं मैक्सिमम 7 साल कह रहा हूँ कि वो 7 साल में वापस आए, टाइम ऐसा हो कि इमिजिएटली नेक्स्ट स्टेप 1 दे सके। इन लोगों ने इंटर्नशिप भी 2 बार स्टार्ट कराई है, और अगर 7 साल में वो वापस आ जाता है वहाँ का सारा काम निपटा के, 1 साल इंडिया की इंटर्नशिप भी उसको करनी है अभी, राइट। तभी मैंने कहा चलो 8 साल, और फिर भी आपके 2 साल बचते हैं। अब आप अगर किसी ऐसी कंट्री भेज रहे हो कि जहाँ से उसको आने में 9 साल या 8 साल लगे, तो फिर हम तो बेवकूफ़ है ना कि उस कंट्री में भेज रहे हैं। तो हमें बाहर उस कंट्री में भेजना है जब उस कंट्री की पढ़ाई प्लस इंटर्नशिप प्लस लाइसेंस वाइसेंस ले के हमें पता होना चाहिए कि आज अगर मैं भेज रहा हूँ 2024-23 सितंबर में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या 7 साल बाद मेरा बच्चा वहाँ का लाइसेंस लेके, जो भी ये NMC के नए रूल हैं 18 नवंबर 2021 वाले, और मैं बार बार हर वीडियो में जिसे जिक्र करता हूँ कि कई मुझे फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के,
जिन्होंने डिसाइड कर लिया बच्चे को यहाँ भेजना है वहाँ भेजना, और उनको ये भी नहीं पता रूल्स के बारे में कि भाई तीन एक मेजर रूल थे जिसमें ये भी था कि आपको उस देश का लाइसेंस टू प्रैक्टिस या रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए एट पार विद द लोकल स्टूडेंट्स। तो 7 साल वहाँ की, 1 साल इंडिया की इंटर्नशिप, और आपके पास 2 साल फिर भी एक्स्ट्रा हैं। कोशिश तो ये करें आप वहाँ जाएँ जहाँ पर आप 6 साल में फ्री होकर आ जाएँ, ताकि 6 जमा 1 इंडिया के साथ। इंडिया का बच्चे को तो 5.5 साल का फ़ायदा हो रहा है, आपका वैसे ही 1 साल फालतू तो मिनिमम लगना है, राइट। तो पर आप वहाँ पर भी अगर आप 7 लगा दोगे, फिर यहाँ पर आके मतलब 8 लगा दोगे, फिर यहाँ का 1 साल तो मिनिमम है, तो वो तो फिर आप रिस्क ले रहे हो ना। मतलब कोशिश तो वो करो, मैंने बोला आइडियल तो है कि वहाँ से 6 साल में फ्री होकर आ जाओ, ताकि आपके पास 3 साल की अटैम्प्ट हो अगर वो नौबत आ जाए। पर कोई कंट्री या कोई कॉलेज आपको बहुत ही पसंद है या सिस्टम ऐसा है, क्योंकि आपको अपने कंसल्टेंट से एजेंट से डेट्स वगैरह अपने को एग्जैक्ट पता होना चाहिए। देखिए मैंने हैरान क्या होता हूँ कि आप इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले अपने बच्चे के लिए, और पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि ठीक है आपने मन बना लिया रशिया जाने का, पर क्या आपको पता है कि रशिया का जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो रशियन लैंग्वेज में होगा, वो साल में कितनी बार होता है, उसकी क्या डेट्स हैं? क्या आप अपने कंसल्टेंट एजेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सर एज़ पर द न्यू NMC रूल जो मुझे पेपर में बैठना है वो पेपर कितनी बार होता है साल में, उसका रिजल्ट कब आता है? क्योंकि जब वो पेपर दोगे रिजल्ट आ जाएगा तभी तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिला ना। वो उस देश का जो पेपर होता है वो उस देश की इंटर्नशिप से पहले होता है या बाद में होता है? क्योंकि आप उस देश की इंटर्नशिप भी करनी है, आपको उस देश में पहले पढ़ाई करनी है, फिर इंटर्नशिप करनी है, और फिर आपको उस देश का लाइसेंस भी लेना है या रजिस्ट्रेशन करनी है, राइट। ये सब कब होता है? मतलब आज अगर इस बच्चे को भेजने वाले हो तो आपको डेट्स पूछनी चाहिए ना अपने कंसल्टेंट एजेंट से, ताकि आपको ये पता हो कि मेरा बच्चा अगर 2023 सितंबर में जाने वाला है तो वहाँ का सारा नाकाम निपटा के वो कब इंडिया में वापस आ जाएगा, अगर वो वहाँ के भी सारे पेपर पहली बार ही पास कर ले, और पता चले रशिया वाला पेपर अगर उसका लटक गया या चाइना वाला लटक गया या किसी और कंट्री का लटक गया, जिस भी कंट्री की बात हो रही है, फिलीपींस तो खैर जाने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आप NMC के रूल में नहीं आओगे, पर आप पहले 1.5 साल की BSB करोगे, फिर 4.5 साल की MD और फिर इंटर्नशिप और फिर इंडिया की इंटर्नशिप, तो पता नहीं कि पंचवर्षीय योजना तो 15 वर्षीय योजना में थोड़ी ना बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो। और मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने फिलीपींस भर भर के बच्चे भेजे 18 नवंबर 2021 का रूल आने से पहले, मेरी फेवरेट कंट्री थी बिकॉज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो वो सब आपको देखना है और अपने कंसल्टेंट एजेंट से पूछ के जाइए कि जी आज मेरा बच्चा जा रहा है ना, तो उनको लिखित में चाहिए ना कब कोर्स ख़त्म होगा, किस दिन उसका पेपर होगा, किस दिन उसके हाथ में लाइसेंस आएगा, किस दिन वो इंडिया वापस आके अपने आप को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप 1 में बैठ सके और उसके हिसाब से उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो, अगर रह गया पहले अटैम्प्ट में फिर क्या चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब, मतलब पूरा प्लान बना के चले दिमाग में। कई बार मेरे को फ़ोन ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, खैर किसी और को बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं, और कहते हैं सर कुछ पता ही नहीं है। मतलब मैंने कहा बिल्कुल भगवान भरोसे, आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो अपने बच्चे के करियर के लिए और अपने पैसों के लिए, तो सोच समझ के फैसला कीजिए। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे अपना काम करवाना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपने स्टूडेंट को बाहर भेजना चाहते हैं, तो 9643362320 पे कॉल कीजिए और आपको हम भेजेंगे सही जगह सही कॉलेज में सही जानकारी देकर। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।